नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीपी न्यूज चैनल। आप सभी का लाइव डिबेट में स्वागत है और आज लाइव डिबेट में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, मेहमान हैं, जो हमारे अपराध ब्यूरो हैं सिंगरौली से एटीपी न्यूज चैनल के, और हमारे साथ में जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनी साहब। राजेश सोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव डिबेट में। जी अजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव डिबेट में। तो आज हम बात करेंगे कि कोविड पर। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो नया स्ट्रेन है वो आया कैसे, कैसे फैला, क्या सरकार की कहीं चूक हुई या फिर लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगाने में इन्होंने देर कर दी। जी राजेश सोनी साहब, आपसे मैं सवाल चाहता हूँ कि ये जो कोविड के जो नए स्ट्रेन आए हैं, जो पिछले वर्ष थे वो इतने घातक नहीं थे, और हम सब देख पा रहे हैं कि जो इस बार जो स्ट्रेन नए आए हैं, और अभी ब्लैक फंगस, अभी कल व्हाइट फंगस भी निकलने लगा है, तो तमाम जो जी उनके नए बिल्कुल वर्जन लॉन्च हो रहे हैं, हर रोज कहीं ना कहीं जो कोविड आ रहा है, लेकिन कोविड के साथ साथ में उनके जो नए वर्जन आ रहे हैं साथ ही साथ, वो बहुत ही जी खतरनाक और बहुत भयावह है। सूरत में 40 लोग आए सबसे पहले दिन, और उसमें से बचाया एक भी नहीं जा सका। हालांकि 8 लोगों की जान तब बचाई जा सकी जब उनकी आंखें निकाली गई। अब आंखें जी निकलने के बाद में व्यक्ति का क्या रह जाता, कुछ नहीं, अगर वो देख ही नहीं पाएगा। तो ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है, इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में भी जैसे आप देख रहे थे 2020 2020 में कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व हैं। झेल रहा था। इसको जी जी सरकार कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे मध्य प्रदेश में, अभी आप देख रहे थे कि एक विधानसभा के में उपचुनाव जो हो रहे थे, उस चुनाव में भी कोई लॉकडाउन किसी प्रकार का, ये जी जी कोरोना जैसे महामारी से किसी भी प्रकार के बचाव का कोई उपाय इन्होंने नहीं किया। यदि ये समय पे समय रहते हुए लॉकडाउन उपयोग में लाए होते, या तो फिर आप हमारे सिंगरौली में देखेंगे, जगह जगह पे आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में लोग ऐसे झेल रहे हैं, मर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल से बाहर में शायद उनको जी बेड भी नहीं मिल पा रही है। ये तमाम प्रकार की कमियां जो है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से, और आप भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीतिक फायदे के लिए आज हमारी सिंगरौली बल्कि पूरा मध्य प्रदेश पीड़ित है और नहीं, झेल रहा है इस महामारी से। अगर आप किसी सरकार को अगर आप लांछन कर रहे हैं, तो आपकी भी सरकार दिल्ली में है, जी बिल्कुल और दिल्ली में हम इस आप चीज को देख पा रहे हैं कि जी कितना वहां भी अगर जो सरकारें कर रही हैं, अगर मध्य प्रदेश में ये चीज है, तो हम जी ये भी देख पा रहे हैं कि दिल्ली में सरकार क्यों नहीं कर पा रही, वहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखिए, आप भी अभी आप देख रहे थे आज लगभग 24 घंटे पहले का जो रिपोर्ट आया दिल्ली में, तो दिल्ली जी में 3,000 से कम रिपोर्ट आए हैं, पॉजिटिव केस जी आए हुए हैं। जी और दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी, हमारे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिस तरह से रिकवर कर रहे हैं दिल्ली को, शायद उस तरह से जी रिकवर पूरा देश करे या मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार करे, तो निश्चित ही इतना ज्यादा प्रताड़ित हमारी जनता नहीं होती। आप अजय शर्मा सिंगरौली जी, आपसे ये पूछना चाह रहा हूं मैं कि क्या एक मौत और किसी के राज्य में दो मौतें हैं, इनसे हमें ये लगाना चाहिए कि नहीं, मौतों का हिसाब कम ज्यादा उससे सरकारों का क्या लेना देना है कि हमारी अच्छी चल रही है या किसी की बुरी, उसे सरकारें कैसे तय की जा सकती हैं, या हम कैसे उनकी विचारधारा को लेकर के कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं जनसंख्या के हिसाब से भी होना चाहिए, कहीं कुछ ना कुछ तो तय होना चाहिए कि नहीं, आज जो अगर वहां रिकवर रेट, हर जगह मैं देख रहा हूँ कि रिकवर रेट बढ़ रहा है, लेकिन रिकवरी रेट बढ़ने के साथ साथ ही डेथ रेशियो भी बढ़ रहा है, इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये भी हम देख पा रहे हैं कि लगातार, चाहे वो दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर बिहार या राजस्थान, सभी राज्यों में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन डेथ रेशियो भी बढ़ रहा है। जी अजय शर्मा जी, जी सर, मैं तो सिंगरौली जिले से अभी आपके साथ लाइव में जुड़ा हुआ, आज पहली बार लाइव डिबेट में आपने मुझे जोड़ा, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सिंगरौली जिले में कोरोना महामारी को लेकर संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है, जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन का पालन सर केवल गरीब, असहाय, मजबूर, लाचार लोगों से करवाया जा रहा है। यहाँ पर केवल गरीबों को बोला जाता है घर में रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात है सर कि लोगों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही, लेकिन उनको यह नहीं पूछा जा रहा है कि आप घर में तो रह रहे हैं लेकिन खाने के लिए आपके पास खाना है, पीने के लिए पानी है कि नहीं, यह सब सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। सरकार केवल जब चुनाव आते हैं तो केवल वोट लेने के लिए घर घर जाते हैं, बोलते हैं आप मुझे वोट दो, मैं तुम्हें हर सुविधा दूंगा,
कैसी सुविधा दे रहे हैं सर, जब कोरोना महामारी में इतनी खतरनाक बीमारी चल रही, इस बीमारी के दौरान उन लोगों के खाने छीन रहे हैं, जबकि जिनका रोज कमाना और रोज खाना पैसा है, वो बेचारे क्या करें। कोविड-19 महामारी से एक तरफ जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ घर में रहकर वह भूखमरी से मर रहे हैं। आखिर उनकी क्या गलती है जो आज उनको इतना बड़ा सजा मिल रहा है। देश में आप देख रहे होंगे कि लगातार शादियों से कई मौतें हो रही हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या शादी करना जरूरी है या फिर कोरोना से बचना जरूरी है। सबसे पहली बात तो सर कोरोना से बचना जरूरी है, शादी तो बाद में भी हो सकते हैं। क्या सरकारों को इन धार्मिक कार्यक्रमों से लेकर के और जितने भी शादी विवाह जैसे समारोह हैं, क्या इन पर पूर्ण प्रतिबंध की जरूरत नहीं है पूरे देश भर में? बिल्कुल सर, अभी अभी हमारे सिंगरौली जिले में प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल जी आए हुए थे। मैंने उनसे सूर्या भवन में मैं एक सवाल पूछा हुआ था इसी बात को लेकर कि सर आपने शादी विवाह के परमिशन तो दे दिए हैं 10-10, 20-20 लोगों को लेकर, लेकिन इतनी खतरनाक कोरोना महामारी बीमारी चल रही है, क्या ऐसे संक्रमित शादी विवाह के लोग नहीं होंगे? तब उन्होंने बोला कि नहीं, शादी विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा जब तक कोरोना बीमारी ऐसी रहेगी। फिर उन्होंने एक लेटर भी जारी करवाया था कलेक्टर महोदय के द्वारा कि जिले में शादी विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, जिसको लेकर कल दिनांक को खुटार चौकी क्षेत्र में 2 जोड़े शादी कर रहे थे, जिन पर खुटार चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। जी राजेश सोनी साहब, मध्य प्रदेश में किसको कितनी राहत सरकार दे रही है? देखिए, अपन मध्य प्रदेश में, जैसे हम लोग सिंगरौली जिले में रहते हैं, सिंगरौली जिले की जो स्थिति है, अभी हमारे सिंगरौली जिले में संपूर्ण लॉकडाउन है। हमने कई बार आपके रिपोर्टर अजय शर्मा जी से भी कई बार हमने दिखाया भी कि इस तरह से संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है कि सब्जी वालों के ऊपर पुलिस वाले बेतहाशा लाठियां बरसा रहे हैं, लेकिन वही सब्जी वाले के बगल में अंग्रेजी शराब की भट्टी जो है वो खुलेआम चल रही है। इसके बारे में हमने जिला कलेक्टर को भी फोन किया, जिला एसपी साहब को भी फोन किया, जिला डीओ अधिकारी को भी फोन किया, लेकिन ये अधिकारी जो है भयमुक्त हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये अधिकारियों को भयमुक्त करके बैठाई हुई है, इनको किसी प्रकार का डर नहीं है। जी, सरकारों के अंदर एक डर होना चाहिए भैया, सरकारें कोई काम करे, पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है वो सरकारों के सह पर काम कर रहा है। जी, हम पूछना चाहते हैं, यदि सब्जी वाले कोरोना फैला सकते हैं तो दारू भट्टी वाले कैसे नहीं फैला सकते हैं? आप यदि संपूर्ण लॉकडाउन पूरे जिले में किए हुए हैं तो फिर दारू भट्टी पे भी लॉकडाउन होना चाहिए। और ये प्रशासन के नाक के नीचे खुला हुआ है, लोग मुश्किल से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर रेंज में, और जो चौकियां हैं उन चौकियों के जस्ट बगल में दारू की भट्टियां चल रही हैं। मतलब जो सरकार ने कहा है कि हम 2 मीटर की, जो 6 मीटर की, हम कम से कम जो 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, ऐसे में पुलिस प्रशासन खुद ही पालन नहीं कर रहा है, खुद ही 2 मीटर की दूरी नहीं बना रहा है, लोगों के साथ में मारपीट कर रहा है या उनसे बातचीत करने के दौरान जो है 2 मीटर की दूरी खुद ही नहीं बरत रहा है, तो कैसे आम आदमी जो है बरते। जी बिल्कुल, यदि इस तरह से हम पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन या सरकार ध्यान नहीं देगी कि जनता, गरीब जनता के ऊपर हम इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं और पुलिस खुद उसके खिलाफ में है, जो सरकारी जितने भी दफ्तरें हैं, चाहे आप अंग्रेजी भट्टी की दुकान देख लीजिए, ये सब दुकानों पे संपूर्ण लॉकडाउन यदि लागू है तो फिर होना चाहिए, ताकि समाज ये देखे कि संपूर्ण लॉकडाउन हमारे लिए है तो सबके लिए है। यदि एक तरफ शराब की बिक्री चालू रहेगी तो निश्चित है कि सब्जी वाले भी सब रोड में आएंगे और मार्केट में वो बैठेंगे। बिल्कुल सर, कोरोना को लेकर सिंगरौली में लोग कितने जागरूक हैं, कोरोना को लेकर के सिंगरौली में कितने लोग जागरूक है और किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उनमें कोई कमी है? जैसे हम देख रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर के तमाम लोग जो सैनिटाइजर भी कर रहे हैं और जो छिड़काव भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है, जो हम साथ ही साथ ये भी देख पा रहे हैं कि छिड़काव सही जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, सिंगरौली जिले में निश्चित है जनता यहाँ की बहुत जागरूक है, क्योंकि हमारे यहाँ काफी उद्योग NTPC, NCL जैसी, रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, और NCL जैसी कंपनियां हैं, बहुत दिनों से हमारे यहाँ ये सब कंपनियां स्थापित हुई हैं, तो सिंगरौली की जनता जागरूक है, लेकिन और सिंगरौली की जनता प्रशासन के साथ है। यदि एक बार जिला कलेक्टर के महोदय के तरफ से आदेश आते हैं तो प्रशासन, जनता उस प्रशासन के नियम का पालन करने में बिल्कुल करती है।
लेकिन यदि प्रशासनिक अधिकारी और जो नेता है, चाहे किसी भी पार्टी को नेता हो, हम नहीं कहते हमारे पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की, यदि नेता और प्रशासन के लोग उनका उल्लंघन करेंगे तो जनता निश्चित ही उल्लंघन करने पे मजबूर होगी। अभी कुछ दिनों पहले, विगत दिन 10 दिन पहले की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे रिलायंस कोल कन्वेयर के जस्ट बगल में एक सब्जी मार्केट, छोटा सा मार्केट, दूर दूर पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखे हुए थे। पुलिस की बर्बरता के कारण उनके ऊपर जेसीबी चलाई गई, डंडे मारे गए और काफी मारपीट हुई और झड़प हो गया पुलिस और सब्जी विक्रेताओं के बीच में। तो उन्होंने भी एक यही सवाल किया कि यदि आप हमारी सब्जी रोकवा रहे हैं, ठीक है रोकवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो दारू की भट्टी और दारू जो पूरे शराब एक एक बस्ती में भिजवा रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोकवा रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही विफल हो रही है। यदि सरकार चाहती तो जो भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनके अंदर भय बना रहता और वो इस तरह से गलतियां करने से डरते। जी मतलब आप ये समझते हैं कि अगर दिल्ली हो या फिर पंजाब हो या फिर अन्य राज्य जहां सरकार नहीं है बीजेपी की, वहां भी जो शराब बिक्री हो रही वो अवैध है और उसे बंद करना चाहिए, WHO का पालन करना चाहिए, और जो केंद्र में बैठी हुई बीजेपी है अगर वो निर्देशित करती है तो सरकारें मजबूर होंगी उसे बंद करने के लिए। सर हम वही मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप शराब भट्टी भी उसमें लॉकडाउन में सम्मिलित किए हुए हैं, उसके बाद भी क्यों शराब की बिक्री हो रही है। जी सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब्जी के साथ साथ पूरे व्यापार के साथ साथ आवागमन के साथ साथ यदि शराब के भट्टी पे भी हमने लॉकडाउन में सम्मिलित किया हुआ है तो फिर शराब की बिक्री कैसे हो रही है। यानी जिला प्रशासन सो रहा है, या तो जिला प्रशासन नेताओं के सह पे काम कर रही है कि आप लोग बेचो, हमारा कुछ नहीं होने वाला है इस तरह से। तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सह पे, विधायक के सह पे, मंत्री के सह पे, जिला कलेक्टर महोदय, SP महोदय, चाहे DO जिला अधिकारी हो, ये सब एकदम खुशहाल हैं और मस्त हैं। जी तो जो सैनिटाइजर है, ये जो छिड़काव हो रहा है, क्या ये सब सही हो रहा है? जैसे नालियों में छिड़काव किया जा रहा है और जो छिड़काव किया जा रहा है वो दीवारों पर किया जा रहा है, तो उससे कितना लाभ मिलता है? हमारे यहाँ सर सिंगरौली जिले में जी, हमारे मध्य प्रदेश में शायद सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला सिंगरौली है। सिंगरौली जिले में आज तक सैनिटाइजर नहीं किया गया है, नगर निगम सो रही है। आपको मैं हमारे जो अजय शर्मा जी हैं, मेरे मित्र हैं, यदि वो आए देखें कभी, इनका एरिया है, क्षेत्र है, जगह जगह पे पानी जमा हुआ है। आप अभी देख रहे हैं ब्लैक फंगल्स को कुछ लक्षण बताते हैं, ब्लैक फंगल्स बढ़ने के कारण बताते हैं कि जो पानी, अगर नालियों में पानी जमा हुआ है उसमें कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, उससे भी ब्लैक फंगस हो रहे हैं। उस पर नगर निगम कभी ध्यान नहीं दिया कि नालियों में जो पानी जमा हुआ है क्यों जमा हुआ है, या कचरा क्यों साफ नहीं किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा टैक्स का पेपर प्रत्येक घरों में भेजा जाता है कि ये आपका मंथली टैक्स हुआ है, लेकिन वो ब्लैक फंगस के पहले भी बहुत अनेक प्रकार की मलेरिया, टाइफाइड, अनेक प्रकार की बीमारियां थी। तो इस तरह से अगर ये कहा जाए कि हमारे सिंगरौली जिले में तो ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कोई सैनिटाइजर, मास्क या कुछ भी चीज, ग्लव्स कुछ भी वितरण किया जा रहा हो, या तो साफ सफाई के मामले में ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इसके मामले में सिंगरौली हमारी जीरो है। अजय शर्मा जी, आपने फील्ड में आपने रिपोर्टिंग की, ATV की लगातार आप करते रहे हैं, क्या आपने देखा सिंगरौली में या वहाँ के पुलिस प्रशासन से लेकर के पब्लिक की कहीं ना कहीं आपने कमियां और गलतियां आपने देखी होंगी जो लगातार जो है आप देखते भी आए होंगे? जी सर, अभी कोरोना महामारी को लेकर जो नियम के पालन कराए जा रहे हैं सिंगरौली जिले में, उन नियम को लेकर लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है। पुलिस के ऊपर अभी पथराव हुआ देवसर में, हुआ एक बार, फिर दूसरी बार आपका हिरवा में हुआ, तीसरी बार आपका परसौना में हुआ, यानी कई करीब 3 जगह पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। आखिर इतनी भारी आक्रोश जनता में दिख रही। जनता का कहना है, साहब हम तो रोज कमाने और रोज खाने वाले इंसान हैं, आप तो लॉकडाउन बंद करवा दिए, लेकिन हम खाएंगे कहाँ? पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, आप तो बोलते हो कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, आखिर घर में हम लोग कैसे रहें जब आप लोग हम लोग को होम डिलीवरी भी नहीं दोगे, होम डिलीवरी भी बंद कर दे रहे हो। फिर हम लोग ऐसे में आम जनमानस के लिए जो उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं वह कहाँ से हम लोगों को आपूर्ति होगी जिससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि एक तरफ कोरोना, बाहर निकलेंगे तो कोरोना महामारी हम लोग को पकड़ेगी, और अगर अंदर रहेंगे तो भुखमरी से मरेंगे। तरह तरह के लोग बातों जनता ने हमसे सर रूबरू करवाया,
जी सर, राजेश सोनी साहब, जो लॉकडाउन लगा है मध्य प्रदेश में, उसमें कहीं आप देरी मानते हैं? जो गांव में आजकल जो बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा गांव में फैल चुका है पूरी तरीके से, उस पर प्रतिबंध की बात हम बाद में करेंगे कि अभी, या नियंत्रण की हम अगर बात करें, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो देर हुई है लॉकडाउन में? निश्चित बहुत देर हुआ है, आज भी समय है प्रशासन के पास भी, शासन के पास भी समय है कि वो आज भी यदि ध्यान देना चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारे लगभग सिंगरौली जिले में 105 गांव में कोरोना अपनी कोरोना जैसे महामारी चपेट में जनता ले लिया है, 105 गांव को भी अपने कैप्चर में ले लिया है। तो यदि जिला प्रशासन और शासन ने ध्यान दे और लोगों को जागरूक किया जाए तो निश्चित है कि अभी भी समय है लोगों को बचाव के लिए, उनको अनेक प्रकार की जो भी हम लोग सुविधाएं जिला प्रशासन के द्वारा या तो शासन के द्वारा जो भी मिल रही है उनको दिया जाए उचित, उनको समझाइश दिया जाए, जा जाके जागरूक किया जाए तो निश्चित अभी रोका जा सकता है। निश्चित ये आप सही बोल रहे हैं कि बहुत लेट हुआ यहाँ पे, हमारे यहाँ लॉकडाउन मध्य प्रदेश में लगाने में काफी लेट हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ सिंगरौली जिले में आज भी 105 गांव में चपेट में हमारी सिंगरौली के गांव आ गए हैं कोरोना जैसे महामारी में, उनमें अगर समय से भी ध्यान दिया जाए तो स्थित बचाव किया जा सकता है। अच्छा, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे पब्लिक के लिए, है कोई मैसेज आपके पास, जो कोई संदेश आप अपना पहुंचाना चाहते हो पब्लिक तक कोरोना से बचाव के लिए? जी बिल्कुल, हमने तो कभी भी बहुत बार लाइव के भी माध्यम से और आपके माध्यम से, न्यूज चैनल के भी माध्यम से, हम अपने सिंगरौली जिले के बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं कि यदि बहुत जरूरत न हो तो शादी विवाह न किया जाए, रोका जाए, क्योंकि काफी ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि प्रशासन के रोकने के बाद भी शादियां चोरी से कर रहे हैं लोग, घरों के अंदर में पैक कर करके और शादियां हो रही है। तो हम कहते हैं 2 महीने 3 महीने और रोका जाए, और शादी विवाहों पे कोई जरूरी नहीं है यदि 2 महीने हम रोक जाए, जान है तो जान है, पहले अपने जीवन रक्षक के रूप में उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए देखिए मास्क की सबसे अच्छी आवश्यक है, मास्क को जरूर लगाएं, और आप भी जान रहे हैं कि भी मास्क के अलावा कोई भी चारा नहीं है कि वो कोरोना जैसे महामारी को रोका जा सके। टीका की बहुत बड़ी कमियां हो रही है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है पूरे जगह पे, तो मास्क लगा के निकले और अति आवश्यक पड़े तभी जनता जो भी है अपने घरों से बाहर निकले, यदि जरूरत नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति? देखिए मध्य प्रदेश में हम तो सिंगरौली जिले की बात जानते हैं, सिंगरौली जिले में जैसा कि पता चला है कि लोग रजिस्ट्रेशन कर करके बैठे हुए हैं, वैक्सीन यहाँ पे जो 18 ईयर्स से ऊपर 45 और 18 के बीच में जो भी लोग थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, हमको लगता है कि 2-3% लोगों को सिर्फ वैक्सीनेशन हो पाया है, बाकी सिंगरौली जिले में आज भी लोग उसके इंतजार किए हैं, वैक्सीन का इंतजार किया है। अजय शर्मा जी, ऐसी कोई कंप्लेन या ऐसी कोई शिकायत है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि वो कोविड से पॉजिटिव तो हो ही रहे हैं, अभी देश भर में देख रहे हैं, तो सिंगरौली में क्या स्थिति? सर अभी तो सिंगरौली के अस्पताल हैं जी। सर अभी तो सिंगरौली जिले में स्वास्थ्य को लेकर काफी लापरवाहियां सामने आ रही है सर, हॉस्पिटलों लापरवाहियां तो सरकारी हॉस्पिटल में है ना, साथ ही निजी हॉस्पिटल है, उनमें क्या कमियां हैं? सरकारी हॉस्पिटल से लेकर सर प्राइवेट हॉस्पिटल, लगभग सभी हॉस्पिटलों में एक ही कमी आ रही सर, अगर कोई कोरोना के पेशेंटों को एडमिट किया जा रहा है तो उनको समय पर ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, उनको समय पर वो कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिसके कारण मरीज अपना हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दे रहे हैं। सिंगरौली में निजी हॉस्पिटल जितने भी हैं उनमें किसी में भी लूटमार वगैरह जैसा तो कुछ नहीं चल रहा है कि नहीं वहाँ भी? जी सर अभी एक सिंगरौली जिले में सर MPC मिश्रा पॉली क्लिनिक है सर, यहाँ पर अभी कोरोना के पेशेंटों को एडमिट किया जा रहा है, लगभग अभी विगत 2 महीने के अंतराल में 3-4 अपने आंखों से देखे हुए मरीज हैं जो जिन्होंने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया, लगातार दम तोड़ते आ रहे हैं, लापरवाहियां एक ही आ रही है सामने, मिश्रा पॉली क्लिनिक प्राइवेट हॉस्पिटल की, उसमें समय से इलाज नहीं होता है सर, और यहाँ पे जो 12वीं पढ़े लिखे जो नर्स डॉक्टर की पढ़ाई कर लिए उनको तुरंत यहाँ पे हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, उनको ड्यूटी पे दिया जा रहा है, उनसे इंजेक्शन लगवाया जा रहा है, जो व्यक्ति सही से इंजेक्शन लगाने जानता नहीं उनको इंजेक्शन लगाने की ड्यूटी दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चियाँ जैसे 18 वर्ष 19 वर्ष की हो गई हैं उनको हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, ऐसी लापरवाहियाँ
लगातार सामने आ रही है सर जी। राजेश सोनी साहब, वहां पर जो अभी जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाने वाले लोग हैं, कैसे उनका जीवन यापन चल रहा है? हमारे यहाँ सर सिंगरौली जिले में जो दिहाड़ी मजदूर हैं और जो जिनके पास राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, कुछ लोगों के पास तो ऐसे लोग हैं कि आधार कार्ड तक नहीं बना हुआ है, और उनके लिए हम लोगों के द्वारा बहुत बार जिला कलेक्टर महोदय से बोला गया। कल ही हमने एक लिस्ट बनाया अपने जो भी कार्यकर्ता है वार्ड बाई वार्ड में, कि वो अपनी एक सूची बनाए और लोगों को पूरी सूची बना के कि कौन आदमी ऐसे हैं जो कि परेशान है, और वो जिला कलेक्टर महोदय के पास, बाकी हम लोग एनजीओ के माध्यम से भी उनका जो भी थोड़ा बहुत व्यवस्था हो पा रहा है वो कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की और जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। आज भी लोग बहुत प्रताड़ित हैं, वो खाने के लिए परेशान हैं। हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो ये देखते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। इसी बीच में आज इस आपदा में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अवसर ढूंढ रहे हैं और इस आपदा का अवसर फायदा अवसर के रूप में उठा रहे हैं। आप देखेंगे कि हम काफी रिपोर्टर इस चीज को उजागर भी किए, दिखाए भी कि आप जिस तरह से अभी लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, उनके बीच में वो जाके भारतीय जनता पार्टी की प्रचार कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए पार्टी का प्रचार का समय अभी बिल्कुल नहीं है, इस महामारी में आपदा में बिल्कुल इस तरह से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं जी। तो आप निश्चित, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सिंगरौली जिले में जो लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, सभी दुकानें बंद हैं, सभी प्रकार की बिजनेस व्यवसाय बंद हैं, लोगों की आमदनी पूरी तरह से ठप्प पड़ी हुई है। उसके बाद भी बिजली विभाग के द्वारा प्रत्येक महीने में बिजली का बिल भेजा जा रहा है, चाहे उसकी दुकानें खुली हुई हैं या बंद हुई हैं जी। और आप जाने के संपूर्ण लॉकडाउन में दुकानें बंद हुई हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं कहाँ से उनका बिजली का बिल आ रहा है और ले रहे हैं बिजली का बिल। इसी तरह से पानी का बिल लिया जा रहा है, स्कूल का फीस लिया जा रहा है, तमाम तरह के जो भी टैक्स कुछ किसी प्रकार की किसी में छूट नहीं मिला है। कहने के लिए घोषणा किया गया था कि अनाज 3 महीने के लिए सरकार मुफ्त कर रही है, लेकिन आज भी 3 महीने के लिए किसी को नहीं अनाज मिल पाया। 1 महीने में 5 किलो दिया जा रहा है, और आप भी समझ सकते हैं कि 5 किलो में एक आदमी किस तरह से 1 महीने का अपना पेट पालन कर सकता है। तो इस तरह से काफी समस्याएं हैं। हमारी सरकार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में बहुत नाकाम रही जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बेबाकी से राय रखी और लाइव डिबेट में जुड़ने के लिए एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया। और आप सभी देखते रहें एटीवी न्यूज चैनल, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार सर।